हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में मॉन्यूमेंट्स इंडिया के इंक्लूडेड हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग बना चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी हम अराउंड 20 साइट्स को कवर कर चुके हैं। अब हम आगे इसमें कवर कर रहे हैं, तो 22nd साइट जो है वो है माउंटेन रेलवेज़। माउंटेन रेलवेज़ दार्जिलिंग हिमालयाज़ में जो पड़ते हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए, माउंटेन रेलवेज दार्जिलिंग हिमालयाज, तो दार्जिलिंग वाले रीजन में ये हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें देखिए, माउंटेन रेलवेज में नीलगिरी माउंटेन भी आता है और कालका शिमला रेलवे। तो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में दार्जिलिंग हिमालयाज, नीलगिरी माउंटेन और कालका शिमला रेलवे जो है वो आता है, और ये ऐड किया गया था 1999 में। फिर नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल, बोधगया बिहार, इसको ऐड किया गया था 2002 में। तो महाबोधि कॉम्प्लेक्स जो है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। पहली बार इसको जो है एम्परर अशोक जो है उन्होंने 3rd सेंचुरी BC में जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया था। बोधि ट्री था ना तब उसके आसपास, फिर उसको टाइम के साथ साथ क्या हुआ, मतलब रेनोवेट कराते गए। स्टार्टिंग में बनवाया था अशोक ने 3rd सेंचुरी BC के टाइम पे, महाबोधि टेम्पल बोधगया बिहार में, और यूनेस्को की साइट में 2002 में इसको इंक्लूड किया गया। फिर नेक्स्ट है भीम बेटका केव्स जो हैं वो रॉक शेल्टर्स हैं भीम बेटका में, मतलब चट्टाने हैं और उसी में नेचुरल केव्स ये बनी हुई हैं। ये मध्य प्रदेश में है और 2003 में जो है वो ऐड किया गया। विंध्याज रेंज ऑफ हिल्स, सेंट्रल इंडियन स्टेट विंध्याज रेंज में ये जो है वो पड़ता है। मीज़ो मतलब मिडिल एज, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो मीज़ोलिथिक एज के टाइम की ये केव्स जो हैं वो मानी जाती हैं। फिर चंपारण पावागढ़ पार्क आर्कियोलॉजिकल पार्क है गुजरात में, और 2004 में जो है वो इसको साइट को ऐड किया गया था। इसमें यही है कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट है और पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ये लोकेटेड है, और इसमें जो चालकोलिथिक पीरियड जो है उस पीरियड का इसको माना जाता है। फिर नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और 2004 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की साइड में ऐड किया गया था, और सेंट्रल रेलवेज़ में जो है ये पड़ता है। इसका जो स्टेशन है वो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, उसको चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो रख दिया गया। इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसमें यूज़ किया गया है वो गॉथिक स्टाइल है, यही इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट था। फिर नेक्स्ट है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट कहाँ पर है? रेड फोर्ट दिल्ली में है, और इसको इंक्लूड किया गया था 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, और ये फोर्ट बनवाया गया था 17th सेंचुरी में शाहजहां के द्वारा, जो कि 5वें मुगल एम्परर थे। और ये जो नई कैपिटल सिटी उन्होंने बनाई थी शाहजहानाबाद, उसका ये रेड फोर्ट या फिर लाल किला उसका ये पार्ट हुआ करता था। और आज भी जो रेड फोर्ट से हम लोग झंडा यहीं से फहराया जाता है, तो आज भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट है जंतर मंतर जयपुर में जो है, ये जो है जय सिंह टू जो थे वहाँ के महाराजा, उन्होंने ये बनवाया था। और जंतर मंतर जो है वो और भी जगह हैं इंडिया में, वो कहाँ कहाँ पर हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये वाली बात बताएंगे। जंतर मंतर जयपुर का भी यूनेस्को की लिस्ट में है। नेक्स्ट आता है वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी सारा जो पार्ट है, अगस्त्य मलई, पेरियर, अन्नामलई, नीलगिरी, तालकावेरी, कुंद्रेमुख और सह्याद्री, ये सारा का सारा पार्ट जो है आता है और काफ़ी सारी स्टेट्स कवर करता है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। 2012 में जो है इसको ऐड करा गया था, और ये वन ऑफ द हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है इसको माना जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें स्पीशी लॉस जो है बहुत ज़्यादा, पहले तो इसमें स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा तरीके के पाए जाते हैं और इसका लॉस भी बहुत ज़्यादा हाई रैपिड रेट से हो रहा है। नेक्स्ट है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, अम्बेर, जैसलमेर, गगरौन, 2013 में ऐड किया गया था, और हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है तो राजस्थान में पड़ते हैं। अरावली माउंटेन रेंजेस के आसपास जो है ये लोकेटेड है, और रिप्रेजेंट करते हैं ये राजपूत जो थे उनकी मिलिट्री
हिल का जो मतलब पहाड़ों में किस तरीके से उनकी मिलिट्री स्किल्स दिखाई जाती हैं, कैसे उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया था, वो सारा का सारा हमें इन फोर्ट्स में देखने के लिए मिलता है। फिर रानी की वाव है वो पटन गुजरात में है, और 2014 में इसको जो है वो ऐड किया गया था। इसमें रानी की वाव जो है वो स्टेप वेल्स होते हैं, जैसे नीचे जाने के लिए किसी जगह को अंदर जाने के लिए जो सीढ़ी नीचे की तरफ जाती हैं वो है रानी की वाव स्टेप वेल्स हैं। फेमस है अपने साइज़ और जिस तरीके से बना हुआ है उसके लिए। इसकी जो लेंथ है वो मोर देन 64 मीटर, यानी कि 210 फीट से भी ज़्यादा इसकी जो लेंथ है वो है। और स्कल्पचर्स जो हैं इसमें वो विष्णु को डिवोट करते हुए ज़्यादातर स्कल्पचर्स बनाए गए हैं इसमें। और है नेक्स्ट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू हिमाचल प्रदेश में जो है ये पड़ता है, और इसमें काफ़ी बहुत सुंदर एल्पाइन पीक्स हैं, एल्पाइन मीडोज़ हैं और रिवराइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है और काफ़ी सुंदर एल्पाइन मीडोज़ हमें देखने के लिए इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा। तो नालंदा की जो आर्कियोलॉजिकल साइट है 2016 में उसको ऐड किया गया था, और ये पड़ता है बिहार में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये रीजन फेमस है नालंदा वाला, और इसलिए इसको ऐड किया गया है इस लिस्ट में। फिर है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये है सिक्किम में, हिमालयन रेंज जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसमें ये कंचनजंगा पड़ता है। इसमें डाइवर्सिटी है, प्लेन्स भी हैं, वैलीज भी हैं, लेक्स भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, और स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिलती हैं। और इसमें वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक माउंट कंचनजंगा है। कंचनजंगा नेशनल पार्क में वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक जो है वो भी हमें देखने के लिए मिलती है। ये सिक्किम में पड़ता है, 2016 में इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूजर। ली कॉर्बूजर की जो आर्किटेक्चरल वर्क है इंडिया में चंडीगढ़ वाले रीजन में, उसको 17 साइट्स हैं इसमें यूनेस्को की लिस्ट में 2016 में ऐड किया गया था। और जैसे कि इनके काफ़ी सारे जो हैं पूरा इन्होंने चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया हुआ है, और काफ़ी सारे वहाँ पे इनकी बिल्डिंग्स भी बनाई हुई हैं, और पूरे वर्ल्ड में इनके बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने बिल्डिंग्स बना रखी हैं। तो आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूजर को ऐड किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में 2016 में। फिर है हिस्टोरिक 36th, और बस अब ख़त्म हो गया है फाइनली। 36th है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, इसको ऐड किया गया था 2017 में, ये है गुजरात में। या फिर हिस्टोरिक सिटी, या फिर आप इसे वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद भी बोल सकते हैं। इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने रखी थी? तो सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट जो थे उन्होंने 15th सेंचुरी में इसको इस सिटी को फाउंड किया था, इस सिटी का निर्माण किया था। और इस सिटी के जो पास रिवर है वो है साबरमती रिवर, और रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो है सल्तनत पीरियड की वो हमें देखने को मिलती है। नोटेबल चीज़ जो है वो है भद्रा साइटेडल। इस पहली वॉल्ड सिटी भी थी, मतलब पूरी सिटी को वॉल्ड थी, मतलब हर तरफ सिटी के दीवारें थी ताकि बचाया जा सके इसको किसी भी अटैक से, तो इसको ऐड किया गया है। फिर नेक्स्ट है द विक्टोरियन एंड द आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई। तो विक्टोरियन गॉथिक बिल्डिंग्स और आर्ट डेको बिल्डिंग्स जो कि मुंबई वाले रीजन में महाराष्ट्र में पड़ती हैं, 2018 में लास्ट ईयर ऐड किया गया था। और बॉम्बे हाई कोर्ट, राजाबाई क्लॉक टावर, एरो सिनेमा और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इन सारी की सारी जो है विक्टोरियन आर्ट और डेको एंसेम्बल जो मुंबई में है उसमें आती हैं। तो हमारी पूरी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंडिया की जो साइट्स आती हैं वो कवर हो गई हैं। ये पार्ट 2 था हमारी पूरी उसका वीडियोस का। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।